हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी वीडियो है ये है सकुलेंट प्लांट्स के बारे में। जो मेन वैरायटी हमारे पास वो है कैक्टस की। जो कैक्टस की जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी होती है, जो छोटे छोटे कैक्टस आते हैं और सकुलेंट में बहुत ही अच्छी होती हैं। ये प्लांट ज़्यादा पानी नहीं लेते और आप एक तरह से डेकोरेशन के तौर पर आप इनको, ये इनडोर प्लांट्स आप कह सकते हैं, आप अपने घर में भी लगा सकते हैं इन प्लांट्स को। हमारी वीडियो इसके बारे में है सारी। अभी हम कुछ दिन पहले लेके आए थे तो ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा ऐसा था, पूरा ब्राउन था। अभी ग्रीनी होना शुरू हो गया है थोड़ा सा। अभी हम कल एक और लेके आए हैं, इसके भी यही हालात हैं अभी। बट इसको अच्छे से प्रॉपर से इसको केयर मिलेगा तो ये भी ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। तो आज हम एक ये बोट शेप में हमारा ये पोट है, आप देख रहे हैं एकदम नाव जैसा, तो हम इसमें इसको लगाने जा रहे हैं आज। इसमें आप मिट्टी याद रखें, मिट्टी सिंपली सिर्फ प्लांट्स को, प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करती। कहें तो जैसे हमारा शरीर होता है उसी की तरह बात है, सिर्फ दूध पीने से या खाना खाने से, मतलब कोई भी एक चीज़ खाने से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो आप हम नहीं सोच सकते कि सिर्फ हवा पानी और मिट्टी प्लांट की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो इसमें प्लांट को कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें प्लांट्स को कोकोपीट, बोन मील, मतलब बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं अब तो, जो कि प्लांट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती हैं। सबसे अगर बेस्ट मेथड जहाँ पे आपके पैसे भी खर्च ना हो, किफ़ायती रहे आपके लिए, वो है आपका किचन का कंपोस्ट। तो हमेशा अपना किचन का कंपोस्ट, किचन का जो वेस्ट है उसको इकट्ठा करें, उसको कंपोस्ट बनाएं और उसको प्लांट्स को दें। तो थोड़ी बहुत तो मेहनत हम कर ही सकते हैं अगर हम अपना गार्डन हरा भरा और सुगंधित और एकदम खुशनुमा देखना चाहते हैं, तो इतनी तो मेहनत हम कर ही सकते हैं। तो देखिए अभी हम इनको लगा रहे हैं यहाँ पे। ये सारी सकुलेंट वैरायटी है प्लांट्स की। ये देखिए आप कैक्टस, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं जाएगी पर जितना भी ग्रो करेंगे ये प्लांट्स बहुत ही सुंदर लगेंगे वंस दे ग्रो प्रॉपरली। अभी आप देखिए, अभी हमने लगा दिया है सारा। ये देखिए कल ही लेके आए हैं हम, इतना ही मिल पाया हमें। आपने देखा होगा जो कैक्टस में कलर्ड फूल आते हैं, येलो आते हैं, रेड आते हैं, तो इसमें एक छोटा सा रेड फूल आएगा तो ये उसी का बेबी प्लांट है। तो अभी हम इसको लगाने जा रहे हैं। तो ये सारी वैरायटी हमने फ़िलहाल एक बोट के अंदर शिफ्ट की है। ये जब ग्रो करेगी अच्छे से तो उसके लिए हम फिर से एक बार और वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ कैक्टस की वैरायटी लेके आए हैं, इसके बाद हम और भी जो सकुलेंट में और भी जो प्लांट्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, लेकिन वो ग्रो नहीं हुए हैं अच्छे से। ये हम लेके आए थे पर अभी इनकी जो ग्रोथ है आप देख रहे हैं थोड़े से मर भी रहे हैं, ये देखिए। तो अभी जब ये ग्रो करना शुरू करेंगे तब हम इनकी वीडियो बनाएंगे। अभी फिर बताएंगे आपको कि केयर कैसे करना है। अभी एक कैक्टस वैरायटी आपके सामने है सकुलेंट की। अगर आपको पसंद है तो आप ये लेके आ सकते हैं अपने घर में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। आज आपने देखा होगा स्नेक प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में, बहुत ही वेरिएशंस होते हैं उसके पत्ते में। तो स्नेक प्लांट का जो पत्ता था बहुत बड़ा, वो हमने क्या करा, कटिंग कर करके उसकी एक ही पत्ते की और हमने इसमें लगाया था। तो अब देखिए जड़ें निकल आई हैं, दिख रहे हैं आप नीचे से। तो जब जड़ें आने लगेंगी पेड़ के अंदर वो अपने आप बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये हिस्सा कट है, यहाँ से हमने कटिंग की थी इसकी, तो इनमें सब में जड़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्नेक प्लांट है, आप एक ही लेके आए हैं, तो आपके पास पूरे चांसेस हैं कि आप उससे और ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा हो, कि एक से हम कैसे बहुत सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए उसका रिजल्ट आपके सामने है आज, कि कितने सारे सिर्फ पत्तों की हेल्प से तकरीबन एक महीने में, मैं कहूँगी एक महीने में जड़ें सामने आ गई हैं। देखिए जड़ें उगना शुरू हो गई हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इस प्लांट की। और देखिए पत्तियाँ कितनी प्यारी हैं, कितनी वेरिएशंस हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, तो सबकी जड़ें आ गई हैं सामने। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही है और अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप उनको इस तरह से उगा के देख सकते हैं। ये पत्ता था एक, ये भी एक और वैरायटी है इसी प्लांट में, स्नेक प्लांट की ही वैरायटी है। तो ये इसका भी हमने सिर्फ पत्ता डाला था मिट्टी में और आप ये देखिए जड़ें आपके सामने इधर निकल आई हैं। एक स्नेक प्लांट से आप बहुत सारे स्नेक प्लांट बना सकते हैं, चाहे तो गिफ्ट भी कर सकते हैं। देखिए फालतू की चीज़ें देने से अच्छा है किसी को कि आप उनको एक ऐसी चीज़ दें जो कि आपके एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए, ऑक्सीजन दें आपको और ग्रीनरी रहे आपके आसपास, जिससे कि पॉजिटिविटी बहुत आती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास स्नेक प्लांट हैं और भी बहुत सारे प्लांट हैं जैसे कि ये हैं सदाबहार के पौधे, तो
उनको आप उगाइए और किसी को गिफ्ट कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे ग्रीनरी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में, और ऑक्सीजन और नेचर सभी आपको चीज़ें ब्लेसिंग्स देंगी। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।